वेलकम बैक टू वीआईएमटी यूट्यूब चैनल। कार की सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आज, जिसका नाम है स्टैक बेस्ड कंप्यूटर ऑपरेशंस, स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी क्लास का एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, वही सेम टॉपिक सीपीयू में भी यूज होता है, वही सेम चीज है स्टैक, वही वाला स्टैक है ये, हम सीपीयू में भी यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन इसको एक्सप्लेन में कर दूंगी आपको सेम ऑलमोस्ट सेम चाहिए। द कंप्यूटर्स विच यूज स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक। वो कंप्यूटर्स जो स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं वो स्टैक पर बेस्ड होते हैं। द स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा वर्ड्स। स्टैक क्या है? डेटा वर्ड्स की एक लिस्ट है। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ डेटा स्ट्रक्चर में भी कि इट यूजेस लास्ट टू फर्स्ट आउट। अब लास्ट टू फर्स्ट आउट होता क्या है कि कोई भी स्टैक हो सकता है लास्ट टू फर्स्ट आउट। सपोज एक ग्रुप ऑफ प्लेट्स है आपके पास, तो आपने डिशेज है सपोज आपके कैंटीन में, जो अगर कोई डिश धो रहा है तो प्लेट्स धो रहा है तो वो पहले एक प्लेट रखेगा जो सबसे पहले धोएगा, उसके ऊपर दूसरी धोएगा, उसके ऊपर थर्ड, इसी तरह वो लास्ट प्लेट सबसे टॉप पर रखेगा। फिर जब उन्हें पहुंच के वापस अपनी जमाएगा अलमीरा में, तो जो सबसे लास्ट में जो प्लेट रखी है सबसे पहले उसको जमाएगा, मतलब जो प्लेट सबसे लास्ट में आई, फर्स्ट जो लास्ट में, लास्ट इनसाइड वो फर्स्ट आउटसाइड पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सा स्टैक्स कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, लीफो और फीगो दोनों का मतलब सेम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। इट यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस मेथड विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सेस मेथड इन मोस्ट ऑफ द सीपीयू। स्टैक का यूज करता है लीफो एक्सेस मेथड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सेस मेथड है सीपीयू का। ए रजिस्टर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विच इज नोन एज स्टैक पॉइंटर। यहाँ पर क्योंकि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है या कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टैक्स में ही रजिस्टर का आ जाएगा। एक रजिस्टर यहाँ पर यूज होता है जो एड्रेस स्टोर करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट का जो स्टैक पर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एएलयू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द स्टैक डेटा। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑन द स्टैक। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक में दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। आफ्टर मैनिपुलेशन द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द स्टैक। जब हम कोई चेंज करते हैं स्टैक में या हम कोई भी ऑपरेंड्स में या रजिस्टर में कोई चेंज करते हैं, तो ये स्टैक डेटा में से वापस इसको उसके बाद में स्टैक में रख देते हैं। द मेन टू ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म ऑन द ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स ऑफ द स्टैक आर पुश एंड पॉप। दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं स्टैक के ऑपरेटर्स पे, जो मेन ऑपरेशन है ये तो बहुत सारे जाते हैं, जो मेन ऑपरेटर्स हैं वो हैं ऑपरेशन, एक होता है पुश जिससे काम होता है इंसर्शन करना, दूसरा होता है पॉप जिसका काम होता है डिलीशन करना। ये परफॉर्म किए जाते हैं एक ही एंड से, स्टैक में हमेशा याद रखना जिस एंड से इंसर्शन होगा उसी एंड से डिलीशन होगा। पुश के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग वन ऑपरेंड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। दिस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन रिजल्ट करता है किस चीज में, ऑपरेंड के इंक्रीमेंट में टॉप से, एंड इट डिक्रीज द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। और क्या कर देता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को डिक्रीज कर देता है। द फॉर्मेट ऑफ द पुश इंस्ट्रक्शन, इस पुश इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, पुश इट इंसर्ट्स द डेटा वर्ड एट स्पेसिफाइड एड्रेस टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ये क्या करता है, डेटा वर्ड को इंसर्ट करता है स्टैक के टॉप पे, इसको इस तरह इंक्रीमेंट कहते हैं, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय वन, स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू स्टैक पॉइंटर माइनस वन। ये क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस के कंटेंट को जो स्पेसिफाइड स्टैक पॉइंटर में, दैट इज एट द टॉप ऑफ स्टैक। सेकेंड ऑपरेशन होता है पॉप। दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन डिलीटिंग वन ऑपरेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ये जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पॉप का काम क्या होता है, डिलीशन करना, ठीक है। तो जब ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर देते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पहला ऑपरेंड होता है ना टॉप पे स्टैक में वो डिलीट हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है, और जो जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
इस फॉर्मेट को हम इसका फॉर्मेट होता है पॉप इंस्ट्रक्शन का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूं, पहले जो आपका इसमें एक स्टेप का छोटा सा यूज है, ठीक है राइट। तो अभी जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करा रही हूँ वो है RISC और CISC, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इसकी फुल फॉर्म होती है RISC, रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। द मेन आइडिया बिहाइंड इज टू मेक हार्डवेयर सिंपलर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस। जो मेन आइडिया है हार्डवेयर को सिंपल बनाना है, एक इंस्ट्रक्शन सेट यूज करके जो कंपोज करता है कुछ बेसिक स्टेप्स लोडिंग करने के, इवैल्यूएट करने के और ऑपरेशन को स्टोर करने के। जिस तरह एक लोड कमांड लोड करता है डेटा को, स्टोर कमांड स्टोर करता है डेटा को। क्या होती है RISC फुल फॉर्म? रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, RISC राइट। तो इसका मेन आइडिया काम क्या होता है कि हार्डवेयर को सिंपल बनाना। कैसे सिंपल बनाना? एक इंस्ट्रक्शन सेट यूज करके जिसमें कुछ कंपोज होता है, लोडिंग करना, इवैल्यूएट करना और ऑपरेशन को स्टोर करना। उसी तरह जिस तरह एक लोड कमांड लोड करेगा और स्टोर कमांड स्टोर करेगा डेटा को। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, CISC। द मेन आइडिया इज दैट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन विल डू ऑल लोडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस। जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन कमांड विल डू स्टफ लाइक लोडिंग डेटा, इवैल्यूएटिंग, स्टोरिंग। इट हेंस इट्स कॉम्प्लेक्स, बोथ अप्रोचेस ट्राई टू इंक्रीज द सीपीयू परफॉर्मेंसेस। अच्छा, CISC का काम क्या होता है? इसका काम ये भी RISC की तरह सीपीयू की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसका मेन जो बेसिक है, इसका कॉन्सेप्ट की एक सिंगल इंस्ट्रक्शन सारा काम करेगा, फिर चाहे वो लोड ऑपरेशन को लोड करने का हो, इवैल्यूएट करने का हो, स्टोर करने का हो, या जिस तरह की एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, वो डेटा को लोड भी करता है, इवैल्यूएट भी करता है और स्टोर भी करता है। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो दोनों अप्रोचेज हैं CISC और RISC, दोनों का एक काम क्या है कि ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, RISC रिड्यूस द साइकल्स पर इंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। RISC क्या करता है? साइकल्स पर इंस्ट्रक्शन रिड्यूस करता है इस कॉस्ट में कि जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है एक प्रोग्राम में, उस हिसाब से वो हर इंस्ट्रक्शन के साइकिल को कम कर देता है। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रक्शन कम कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन की साइकिल्स कम कर देगा। CISC का देखते क्या करता है? द CISC अप्रोच अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। CISC क्या करता है? इसका ऑपोजिट करता है। CISC का काम है कि ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर दे, बहुत कम कर दे हर प्रोग्राम के हिसाब से, पर क्या इंक्रीज कर दे, नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इंक्रीज कर देगा। CPU की टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? CPU टाइम इज इक्वल टू सेकेंड्स पर प्रोग्राम इक्वल टू इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम इंटू साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इंटू सेकेंड्स पर साइकिल। अगर हमें CPU की टाइम कैलकुलेट करनी है और हमें ये सब चीजें गिवन है, इंस्ट्रक्शन कितने हैं, साइकिल्स कितनी हैं, ठीक है, तो हम सेकेंड्स को डिवाइड करके प्रोग्राम से ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्लियर व्हेन प्रोग्रामिंग वाज डन यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, अ नीड वाज फेल्ट टू मेक इंस्ट्रक्शन टू मोर टास्क, बिकॉज क्योंकि जो पहले वाला टाइम था उसमें प्रोग्रामिंग जब असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी तो हमें क्या जरूरत पड़ती थी कि हम एक इंस्ट्रक्शन में टास्क करने के लिए और ज्यादा टास्क हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है इंस्ट्रक्शन में वो असेंबली लैंग्वेज होती है, तो जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी
सेकेंड है इंस्ट्रक्शन कम अंडर साइज ऑफ वन वर्ड, इंस्ट्रक्शन इतने छोटे से होते हैं एक वर्ड में पूरे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। थर्ड है इंस्ट्रक्शन टेक सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एक सिंगल क्लॉक साइकिल यूज करते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। फोर्थ है मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर, इन्हें ज्यादा से ज्यादा जनरल पर्पज रजिस्टर की जरूरत होती है। फिफ्थ है सिंपल एड्रेसिंग मोड्स, जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो सिंपल यूज होता है। सिक्स है लेस डेटा टाइप्स, जितने डेटा टाइप्स होते हैं वो कम यूज होते हैं। सेवन्थ है पाइपलाइनिंग ध्यान दीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग जो अभी मैंने आपको कराया है इसके नेक्स्ट टॉपिक है। पाइपलाइनिंग हमारी आईएएससी से अचीव की जा सकती है। फिर आगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआईएससी, अब सीआईएससी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेट्स रीड अबाउट इट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसीलिए इसकी डिकोडिंग कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम कंपेयर करें आरआईएससी को सीआईएससी से तो आरआईएससी की कोडिंग क्या थी, सिंपलर थी और डिकोडिंग भी सिंपलर थी, पर सीआईएससी में कोडिंग भी कॉम्प्लेक्स है और डिकोडिंग भी कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड है कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो लार्जर देन वन वर्ड साइज होते हैं, वन वर्ड साइज से बड़े होते हैं। थर्ड है इंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं, एक से ज्यादा सिंगल ब्लॉक साइकिल लेते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। फोर्थ है आपका कि लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर, कम नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं क्योंकि ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं मेमोरी में। फिफ्थ होता है आपका कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स, इसमें एड्रेसिंग मोड्स जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिक्स्थ है इसका मोर डेटा टाइप्स, इसमें ज्यादा यूज होते हैं। एग्जाम्पल हम इसका पढ़ते हैं, सपोज वी हैव टू एड टू 8-bit नंबर, सपोज हमें दो 8-bit नंबर ऐड करने हैं तो अगर हम सीआईएससी अप्रोच लगाएंगे तो देयर विल बी अ सिंगल कमांड और इंस्ट्रक्शन फॉर दिस लाइक एड विच विल परफॉर्म अ टास्क। अगर ये काम हमें दो 8-bit नंबर्स को ऐड करना है, अगर हम ये काम सीआईएससी अप्रोच से करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड एड यूज करेंगे उससे हमारा एडिशन हो जाएगा सिंपल सीआईएससी में। पर यही अगर हम आईएएससी अप्रोच से करते हैं फिर क्या करना है, हियर प्रोग्रामर विल राइट फर्स्ट लोड कमांड टू लोड डेटा इन रजिस्टर्स। प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, पहले सारे लोड कमांड्स लिखने पड़ेंगे रजिस्टर्स में को डेटा को लोड करने के लिए। फिर उसके बाद में हम एक सूटेबल ऑपरेटर यूज करेंगे जो उसे डिजायर्ड लोकेशन में स्टोर कर देगा। तो ऐड ऑपरेशन क्या डिवाइड हो जाएगा आईएएससी में दो पार्ट्स में, पहले लोड में ऑपरेट में और फिर स्टोर में, जिस वजह से आईएएससी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और इन्हें ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है स्टोर करने के लिए, पर इनको कम ट्रांजिस्टर्स की जरूरत होती है और कम कॉम्प्लेक्स कमांड्स की जरूरत होती है। एक बार इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है आईएएससी सीएससी में। आईएएससी फोकस करता है सॉफ्टवेयर पे, सीआईएससी फोकस करता है हार्डवेयर पर। आईएएससी यूज करता है सिर्फ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और सीआईएससी यूज करता है हार्डवायर भी और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बोथ। आईएएससी में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं ज्यादा रजिस्टर्स के लिए, सीआईएससी में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। आईएएससी का फिक्स साइज ट्रांजेक्शन है इंस्ट्रक्शन है, सीआईएससी के वेरिएबल साइज के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब उनका साइज चेंज जाता है वेरिएट करता है। आरआईएससी परफॉर्म करता है रजिस्टर टू रजिस्टर पे, बल्कि सीआईएससी परफॉर्म करता है आरईजी टू आरईजी और आरईजी टू एनजी में, रजिस्टर टू रजिस्टर और मेमोरी टू मेमोरी। फिर आरआईएससी में अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, सीआईएससी में एनी मेमोरी ऑपरेशन होते हैं। आरआईएससी में एक से ज्यादा रजिस्टर चाहिए होते हैं, सीआईएससी में कम नंबर ऑफ रजिस्टर चाहिए होते हैं। आरआईएससी का कोड साइज बड़ा होता है, सीआईएससी का कोड साइज छोटा होता है। आरआईएससी के इंस्ट्रक्शन सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सीआईएससी के इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल लेते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। आरआईएससी का इंस्ट्रक्शन वन वर्ड में फिट हो जाता है, बल्कि सीआईएससी का इंस्ट्रक्शन एक वर्ड से ज्यादा साइज लेता है फिट होने के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आरआईएससी और सीआईएससी का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नई टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी, देखें आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ईयरफोन्स लगा के आपको टॉपिक सुनना है, राइट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।